Assalamualaikum. तो यार ये है मेरी गाड़ी जो मैंने पिछले दिनों नई खरीदी है. अगस्त के अंदर मैंने खरीदी थी. मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि यार मैं गाड़ी के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा. तो दिस इज़ अ न्यू एडिशन. सही है. अब मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए हैं इस गाड़ी को यूज़ करते हुए. अब मैं जो हूँ ना वो आपको इसका सही रिव्यू बताता हूँ कि मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 2 महीने के अंदर. अभी तक मैंने इसको 1500 किलोमीटर चलाया है सिर्फ, ज़्यादा नहीं भी चलाई. थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हल्की फुल्की सी करानी है. इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है ना वो काफ़ी बेटर है. जो हैचबैक गाड़ी होती है ज़्यादातर वो लोकल यूज़ के लिए बनी होती है. ठीक है, तो लोकल यूज़ के अंदर ये गाड़ी मुझे 16 तक की एवरेज दे रही है अगर मैं नॉर्मल चलाऊं. लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा शौक है गाड़ी को तेज़ चलाने का, उस हिसाब से अगर मैं गाड़ी चलाऊं ना तो मुझे ये 12.5 से 13 की एवरेज फिर भी दे देती है. इस गाड़ी के अंदर जो एसी की परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है. एनालॉग कंट्रोल है लेकिन एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. इस गाड़ी को मैं अभी 170 तक लेके गया हुआ हूँ. ठीक है, 170 पे जाके हल्की फुल्की वाइब्रेशन शुरू हुई थी. लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं ये कह सकूं कि यार गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी और वो सारा कुछ. वैसे भी गाड़ी के अंदर जो है वो ABS ब्रेक्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवांटेज होता है. गाड़ी की अगर स्पेस की बात की जाए तो इसमें 4 बंदे आराम से बैठ सकते हैं. मेरी हाइट जो है वो 6 फुट है, तो उस हिसाब से अगर मैं पीछे करूँ ना तो अगर कोई नॉर्मल हाइट का बंदा होगा तो वो आराम से बैठ सकता है. लेकिन अगर कोई मेरी हाइट का ही बंदा होगा ना तो उसको थोड़ा सा और भाई सीधा रखते हैं. भाई आपकी टांगे नहीं दिखानी इतने हाइट जितनी है. रियर लीवर की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल की है. काफ़ी फास्ट शिफ्टिंग हो सकती है और गियर भी काफ़ी ज़्यादा मुलायम है. मैंने गाड़ी ली थी ना तो इसकी इनवॉइस प्राइस थी 15,50,000 और करंटली प्राइसेस क्योंकि इंक्रीज हुई हैं, FAD वगैरह लगा है, तो उसके बाद इसकी प्राइस तकरीबन 18.5 या 19 है. ये अगस्त के अंदर ख़रीदी थी. स्टीयरिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है. सुजुकी ने मुझे कहा है कि इसका ऑयल आप 4000 पे चेंज करवाएं, मैं 3500-3600 पे चेंज करवा लूँ. इस गाड़ी के साथ अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो काफ़ी अच्छा रहा है. यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए ये गाड़ी यूज़ करनी होती है तो उसके लिए फ्यूल कंजम्पशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और वो उस हिसाब से ये जो है वो बड़ी अच्छी रही है. जब मैं ये गाड़ी बाय करना चाह रहा था तो मैंने 1000 CC गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बस नहीं पसंद. वजह बहुत सी हैं इसकी. मैनुअल के अंदर जो है वो जापानी गाड़ियां तो वैसे ही रूल आउट हो जाती हैं. जो 660 CC गाड़ियां ना वो वैसी चली हुई आती हैं. तो मैं चाह रहा था कि मैं 0 मीटर गाड़ी लूँ, तो इस वजह से ऑप्शन में सिर्फ यही है. हाँ, वैगन आर की ऑप्शन आई थी कि वैगन आर और कल्टस के अंदर, क्योंकि इन दोनों का इंजन सेम है. लेकिन वैगन आर मैंने इसके लिए ली क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी फीचर कोई भी नहीं. उसके अंदर वो ना ABS ब्रेक्स आती हैं ना वैगन आर के अंदर एयर बैग्स हैं, तो इस वजह से. और सबसे बड़ी चीज़ वैगन आर की जो शेप है ना वही मुझे नहीं पसंद. जीप ऊंची सी गाड़ी है और वो कोई गाड़ी गाड़ी नहीं लगती. वो ऐसा लगता है कि कोई मिनी वैन टाइप. वो लगता है रक्षे पे शीशे चढ़ाए हुए हैं. शीशे वाला रक्षा वैगन आर जिसके पास है ना शीशे वाला रक्षा. नहीं यार ऐसी बात नहीं है. वो गाड़ी तो वो भी अब खैर बड़ी महंगी हो गई थी. ये इसका मल्टीमीडिया यूनिट है, काफ़ी अच्छा है. मुझे जो है वो बैक कैमरा की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी तो इस वजह. और गाड़ी चलाते हुए कौन वीडियोज़ देखता है यार, तो ये जो है ना यूनिट मेरे ख्याल में ना बेस्ट होते हैं. ब्लूटूथ कोई नहीं अंदर. ब्लूटूथ है कहाँ है? इसके अंदर जो है वो ब्लूटूथ भी है मल्टीमीडिया सिस्टम में, और इसके अलावा आप इसके अंदर ऑक्स भी लगा सकते हो, USB भी लगा सकते हो. तो अगर सिगरेट वाला बंदा है वो निकल आता गर्म होके बाहर? नहीं इसके अंदर वो नहीं आता. इस दिन नमाज बढ़ी आज हमने, ये देखो आसान भी हो गई. आसान हो रही है. अब इधर गाड़ी पार करेंगे हम और हम नमाज पढ़ने जाएंगे. चलो खुदा हाफिज़.